नमस्कार, मैं विमल दुबे और आप देख रहे हैं क्रिकेट कंचम। बात करेंगे कल के मैच का, साउथ अफ्रीका बनाम इंडिया के बीच खेला गया। जैसे कि अगर बात करें ओडीआई का पहला खेला गया, इसके पहले टी20 खेला गया, जिसमें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जो कि एक एक का बराबरी रहा और एक मैच जिसके बारिश की वजह से रद्द रहा। जैसे कि कल की मैच की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम वैसे तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, जिसमें वो धराशायी हो गई, मात्र 116 रन बना के ऑल आउट हो गई, वो भी 27 ओवर 3 गेंद में। ये स्थिति रही साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की धरती में इंडिया का बोलबाला रहा और जबरदस्त प्रदर्शन रहा। अगर बात करें तो लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने काफी सुंदर प्रदर्शन किया। अगर वहीं पे भारत की तरफ से डेब्यू करते हुए स्वाई सुदर्शन, जिन्होंने 50 किया और पहले ऐसे बल्लेबाज हो गए कि जो कि विदेशी धरती पे 50 रन करने वाले बल्लेबाज साई सुदर्शन हो गए, उन्होंने 55 रन का सहयोग किया। वहीं श्रेयस अय्यर ने 52 रन का सहयोग किया। साथ ही अगर बात करें 116 पे जब ऑल आउट हुई तो उसमें गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में भारत की तरफ से अर्शदीप जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग किया, उन्होंने 10 ओवर अपने कोटे का 10 ओवर फेंक दिया 27 ओवर में और उन्होंने 5 विकेट लिया और ये उनके ये उनके इतिहास का सबसे अच्छा बॉलिंग रहा और उनके लिए कहीं ना कहीं बैक करने के लिए, क्योंकि टी20 आने वाला, टी20 वर्ल्ड कप 2024 आने वाला है, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाया। वैसे अगर बात करें वहीं पे तो दूसरा जो बॉलर था वो थे आवेश खान, जिन्होंने 4 विकेट लिया, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा, और 1 विकेट कुलदीप यादव को मिला, जिन्होंने 2 ओवर 3 गेंद ही बॉलिंग की और आखिरी विकेट उनके खाते में गया। अगर बात करें तो ये 3 मैचों का सीरीज ओडीआई हो रहा है साउथ अफ्रीका के धरती पे और ये पहला जीत के परचम लहराता हुआ भारत। देखते हैं दूसरा मैच क्या साउथ अफ्रीका इसी तरीके का प्रदर्शन रहेगा, क्या साउथ अफ्रीका सीरीज बचा पाएगी या भारत सीरीज फतेह करेगी, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग रही है भारत टीम की ओडीआई में, इसी तरीके से श्रीलंका को उन्होंने 49 रन पे ऑल आउट किया था, उसी तरीके से श्रीलंका को 52 रन पे ऑल आउट किया था। और देखा जाए तो जिस तरीके से बॉलिंग ओडीआई की है भारत की, गजब की प्रदर्शन है भारत की ओडीआई में बॉलिंग का, क्योंकि जिस तरीके से साल 2023 में उन्होंने प्रदर्शन किया और आखिरी में जाते जाते भी वही प्रदर्शन दोहराते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वैसे बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके के स्पोर्ट्स खबरों के लिए। नमस्कार।